निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात् गतं प्राणं बलादाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। श्रावणी मेला 2018 पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग के द्वारा कांवरिया पथ में दुम्मा से खिजुरिया तक 188 शौचालय, 113 स्नानागार, 15 प्याऊ, 95 इंद्रवर्षा, 105 नलकूप, 41 मोटर पंप से जलापूर्ति की व्यवस्था, 250 बायो टॉयलेट, 57 डस्टबीन और प्रत्येक पाली में 55 स्वीपर की व्यवस्था की गई है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल विभाग के द्वारा बीएड कॉलेज, आर्मित्रा विद्यालय, आरएल सर्राफ विद्यालय, नेहरू पार्क आदि जगहों पर शौचालय, स्नानागार, जलापूर्ति आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। देवघर कॉलेज, सरासनी, बाघमारा बस स्टैंड, पुलिस लाइन, जैप 5, त्रिकुट पहाड़, रिखिया, बीएन झा कॉलेज, थाना, मध्य विद्यालय, ठाढ़ी दुलमपुर में निर्मित पुलिस आवासन में शौचालय, स्नानागार एवं जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। साथ ही जलसार से मानसिंघी तक पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेला को देखते ही पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग के पदाधिकारी तैयारी में जुट गए। विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारी जोर शोर से दुम्मा से खिजुरिया तक विभाग की ओर से कार्य करने में लग गए। कांवरिया पथ में बोरिंग, शौचालय, चापानल आदि का कार्य करवाने लगे। साथ ही साथ रंगाई, पुताई एवं लिखाई भी करवाया गया, जिससे कि सौंदर्यीकरण दिखे। कांवरिया पथ में दर्जनों प्याऊ लगाया गया, जिससे कि कांवरियों को पानी की समुचित व्यवस्था जगह जगह पर मिल सके। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग के पदाधिकारी लगातार विभाग के कर्मचारी एवं संवेदकों के साथ स्थल निरीक्षण कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते रहे, ताकि कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता न हो, जिससे कि कांवरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवरिया पथ में शौचालय व प्याऊ में पानी की समुचित व्यवस्था की गई। कांवरिया पथ दुम्मा से खिजुरिया तक दर्जनों इंद्रवर्षा लगाया गया। कांवरिया पथ में स्वच्छता व पवित्रता बनाए रखने के लिए जगह जगह पर कूड़ादान रखा गया है, ताकि कांवरियों को चलने के लिए स्वच्छ वातावरण मिल सके। प्रतिदिन कांवरिया पथ में विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यों की गुणवत्ता का लगातार जायजा लेते रहे हैं एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का दिशा निर्देश देते रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रांतों से आने वाले कांवरिया मेला क्षेत्र में पेयजल एवं
स्वच्छता प्रमंडल के द्वारा प्रदत्त सेवाओं का सही ढंग से उपयोग कर सके और किसी भी प्रकार से कांवरियों को असुविधा ना हो। श्रावणी मेला के दौरान विभिन्न जिलों से आए हुए पुलिस बल के लिए निर्मित पुलिस आवासन में भी पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की गई है। 28 जुलाई से हमारा श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, उसके पूर्व हम लोग को सारी तैयारी कर लेना पड़ता है। इसमें हमारे सारे विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी साथ ही साथ हमारे जो संवेदकगण हैं जिनको काम बांटा गया है वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और श्रावणी मेला 28 जुलाई से पूर्व 2-3 दिन पूर्व ही हम लोग चालू कर देंगे। लगभग मेरी तैयारी अभी भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फाइनल स्टेज हम लोग का अभी भी 25-26 तक हो जाने की संभावना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा कांवरिया पथ में स्वच्छता प्रदर्शनी लगाकर आने वाले भक्तों को स्वच्छ रहने का संदेश दिया जा रहा है। स्वच्छता का हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर इस मेले में जो मास व्यापी चलने वाला है। श्रावणी मेला में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कांवरिया पथ एवं पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। यत्र तत्र गंदगी नहीं फैलाने एवं सभी जगहों पर साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत के माध्यम से लोगों में स्वच्छता संबंधित जानकारी प्रेषित की जा रही है और स्वच्छ एवं साफ माहौल बनाने की सलाह दी जा रही है। देवघर में श्रावणी मेला में आए हुए कांवरियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। साथ ही स्वच्छता अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। प्रायः देखा जाता था कि कांवरिया पहले के समय में शौचालय के अभाव में जहां तहां शौच कर देते थे। इससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही था, साथ ही यहां की स्वच्छता पर भी सवाल उठता था। देवघर की स्वच्छता को बनाए रखने एवं कांवरियों को शौचालय की सुविधा मुहैया करवाने हेतु मेला क्षेत्र में शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में जगह जगह पर बायो टॉयलेट, शौचालय एवं स्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता का ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण मेला क्षेत्र में साफ सफाई की 2400 घंटे व्यवस्था की गई है। कांवरिया भक्त मेला क्षेत्र में लगाए गए टॉयलेट का प्रयोग कर काफी खुश दिख रहे हैं, साथ ही इस बात की सराहना भी कर रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा कांवरिया की सुविधा हेतु काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। शौचालय के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ रहा है एवं सभी मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता श्री रघुनंदन शर्मा एवं कार्यपालक अभियंता श्री राजेश रंजन के द्वारा
अस्थाई शौचालय के निर्माण का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने का निर्देश दिया गया, जिससे शौचालय इस्तेमाल के समय कांवरियों को कठिनाई ना हो। संपूर्ण मेला क्षेत्र को स्वच्छता के मिसाल पर पेश करने के लिए एवं श्रद्धालुओं को बाबा नगरी में साफ सुथरा माहौल प्रदान करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सफाई कर्मी रिमझिम बारिश के बीच भी अपने कर्तव्य पर डटे रहे। सारा यह तैयारियां पूरी हो गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन भी है, इसलिए आज हम लोग सारा टेस्ट कर लिए। इंद्र वर्षा, शौचालय, झरना, जितने भी हमारे कमरिया रूट में आते हैं, इवन पुलिस प्रशासन आवासन के लिए भी जो लगाए गए हैं सारे चालू हैं। पुलिस आवासन तो हमारा पिछले 5 दिन पहले ही चालू हो चुका था, और कमरिया पथ में 94, इंद्र वर्षा 188, शौचालय, यूरिनल, पियाऊ सबको चालू कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में तो 28 तारीख से है मेला, लेकिन हम लोग 26 तारीख से ही 55 अदद पर शिफ्ट स्वीपर लगा हुआ है, जो कि पूरे कमरिया पथ को साफ सफाई में लगेगा, जो सुबह से लेकर अगले 24 घंटा तक उसकी ड्यूटी रहेगी। 3 शिफ्ट में बांटा गया है, हर एक शिफ्ट में सब टोटल मिलाकर 55 है, जो कि 24 आवर उसकी साफ सफाई रख रखाव करेंगे। इसके साथ ही साथ मेला को जो भी कमरिया है एक संदेश लेकर जाएं कि पूरे देवघर जिला जो ODF हो चुके हैं वो स्वस्थ हेल्दी रहें। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीय मां। देवघर में बाबा पर जलार्पण करने हेतु लाखों की तादाद में श्रद्धालु सुल्तानगंज से पैदल यात्रा कर बाबा धाम आ रहे हैं। मेला क्षेत्र में जगह जगह पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सफाई कर्मी साफ सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। कांवरिया पथ में बनी निःशुल्क शौचालय एवं स्नानागार का प्रयोग कर कांवरिये बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दुम्मा से लेकर खिजूरिया तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा कूड़ादान लगाया गया है। इसका उपयोग आगंतुक कांवरियों के साथ साथ स्थानीय लोग और दुकानदार भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी जगहों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कराया जा रहा है। इस वर्ष की साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में जब यहां आए हुए कांवरिया बम से पूछा गया तो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से कांवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष की व्यवस्था पिछले कई वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छी है। रास्ते में समुचित साफ सफाई होने से चलते वक्त गंदगी पर पैर पड़ जाने का डर नहीं लगा रहता है। इससे हम बेफिक्र होकर आसानी से चल पा रहे हैं। साथ ही सड़कों के किनारे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किए जाने से आसपास के नालों की बदबू भी नहीं होती है और चलने में काफी राहत महसूस होती है। श्रावणी मेला 2018 में कांवरिया पथ में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवरियों की सुविधा हेतु
जिला प्रशासन के द्वारा कांवरिया पथ में इंद्र वर्षा लगाया गया है। इससे बारिश नहीं होने पर भी कांवरियों को बालू पर चलने में आसानी हो रही है। इंद्र वर्षा के माध्यम से जहां चिलचिलाती धूप में भी पथ गीला और चलने योग्य बना रहता है, वहीं कांवर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को इंद्र वर्षा से वृष्टि जैसी आनंद की अनुभूति भी होती है। कांवरिया पथ में शिव भक्तों को सावन महीना में इंद्र वर्षा का लुत्फ उठाते हुए देखा जा रहा है। कांवरिया बम को जब इंद्र वर्षा के फुहारों से स्वयं को भिंगाते हुए देखने पर उस समय उनके चेहरे की आभा से उनके आनंद का पता चलता है। श्रावणी मेला का रंग जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ आगंतुक कांवरियों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। देवघर के उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा और पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता श्री राजेश रंजन एवं कई अधिकारियों ने कांवरिया पथ में चल रहे पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यों का जायजा लिया और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम सुगंधि